Three, two, one. Hello, assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal Ali, and you're watching I Am Bilal. हाँ जी, आज हम बात करेंगे, मतलब बात नहीं करेंगे, आप मुझे गेस करें मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो के फ्रीडम पे बात करता है, वो जो के बात करता है कि लेट अल्लाह ताला बी द जज, लेकिन लिटरली ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे के पॉप पे कोई बात करे या फिर अगर कोई मेरी फेवरेट वेस्टर्न थ्योरी पे कोई बात करे तो मैं ऑफेंड भी हो जाता हूँ और मैं जो है ना उसको कैंसिल भी कर देता हूँ। यार मैं इंक्वायरी कराना तेरा, बस आप लाना चेक करना मैं तुम्हें। मैं वो हूँ जो लोगों को एम्पावर करता है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन हाँ, अगर मेरी फेवरेट और बड़ी मशहूर ज़माना किसी थेरी को आप रिजेक्ट करो या इवन इंटेलेक्चुअली जलील करो तो मैं जो है ना आपको होमोफोबिक कहूँगा। मैं आपको होमोफोबिक भी कहूँगा, मैं आपको ब्रेन वॉश्ड भी कहूँगा, ठीक है। वेल डन। मैं वो थेरी हूँ जो कहती हूँ, जो कहता हूँ ये भाई, बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल ह्यूमन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, लेकिन लिटरली ऑन द अदर हैंड, अगर कोई मेरे मतलब की बात नहीं करता तो मैं हीरो भी बन जाता हूँ और मैं कैंसिल भी कर देता हूँ उसको। यू गेस डेट सर, क्या वाह लड़के, तू तो कमाल कर गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसिल कल्चर, और आज मैं कैंसिल कल्चर को रोस्ट करूंगा। हाँ जी, देखो ये होती है रोस्टिंग, किसी इंडिविजुअल को रोस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी खास तबके को रोस्ट नहीं कर रहे। हाँ, अगर किसी कोई तबका ऑफेंड हो रहा है तो भाई माय बैड, बट देन अगेन यू शुड रिफ्लेक्ट कि भाई कुछ गलत तो हम भी नहीं कर रहे ना, हम भी तो डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखा रहे ना, हम भी तो कोई एक खास वेस्ट प्रोपोगेंडा या फिर एक खास थियोलॉजी, या फिर खास थियोलॉजी तो खैर है ही नहीं ना, एक खास आइडियोलॉजी एक खास एक पर्सपेक्टिव को लेकर ही चल रहे हैं, और जो भी उसके साथ चलेगा वो फिर सोशल जस्टिस वॉरियर है, गाजी, और जो उसके खिलाफ नहीं चलेगा वो फिर ब्रेन वॉश भी है, होमोफोबिक भी है, जाहिल भी है, गवार भी है, और क्या क्या है मॉब भी है, और ट्रैश मेंटेलिटी भी उसी की है, और चार पांच चीजें और भी है वो है। तो सीन ये है कि अच्छा, मजे की एक और बात बता देता हूँ, मैं मजे की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है वैसे, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत दुख की बात है। इतने लोगों ने ना आराम इतना आसान बनाया है किसी पे, किसी की किरदार दोषी करना, ठीक है ना, पर किसी के किरदार को डिफेम करना, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना, ये स्क्रीनशॉट देखे, ये मुझे मैंने कहा बंदी ने पूरी इतनी लंबी तमहीद बांधी, इतना लंबा मेरे पहले बात लिखी कि इस बंदे ने ये ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। क्यों बोला? क्योंकि एक लड़का है उमर नमाज, यूट्यूबर है, उसने मेरी स्टोरी शेयर की थी अपनी स्टोरी पे, तो जस्ट बिकॉज उसने मेरी स्टोरी अपनी स्टोरी पे शेयर की तो जो है ना आउट ऑफ नोवेयर मैं जो ना एक अलेजेड हरेसर माशाल्लाह बन गया हूँ, और मैं जो है वो मजाक, दिस इज जस्ट, इतना मुझे दुख होता है ना, मैं शुगर तो लगा रहा हूँ ठीक है ना, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना, लेकिन इतना दुख होता है कि इतने आराम से आपने लोगों ने बिल्ला वजह लोगों की तोहमतें लगाना शुरू कर दी है, इतने तो इतने तोहमत इतने आराम से लगा रहे हो आप। डू यू इवन हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि कितनी को बड़ी सजा है और कितना को नाराज, इतना को नाराज करने वाला काम है किसी पे झूठी इल्जाम लगाना, झूठी तोहमत लगाना। डू यू इवन हैव दिस मच ऑफ आइडिया? यू डोंट। मैंने उस बंदी में बहस किया, मैंने कहा ये आपने क्या लिख दी है, ठीक है ना, कहती ओ सॉरी माय बैड, ठीक है। ये कैंसिल कल्चर, दिस इज कैंसिल कल्चर, दिस इज ट्विटर के वाव, ये लिबरलिज्म, और ये जो है जितने भी हमारे बच्चे जो पता नहीं इंस्पायर पापा पापा फादर फादर कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, इन आइडियाज को, समझ आती ठीक है ना। इंशाल्लाह अल्लाह करम करे तो मैं कोशिश करूंगा इनको ना जरा इनके ये बुत भी तोड़े कभी ना कभी जिंदगी में, तोड़ भी रहे अब्दुल्ला अभी भी तोड़ रहे हैं, ठीक है बाबी भी तोड़े इंशाल्लाह। और सीन ये है कि ट्विटर का और ट्विटर की अवाम का भी ये वाला हिसाब है, इसके ना ट्विटर की और कैंसिल कल्चर की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है उसकी, एक ना दुकान, दो दुकानदार के पास दो ऑप्शन है,
ये दुकान सस्ती भी है, बेहतर भी है, क्वालिटी भी बेहतर है, बंदा भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। दूसरी दुकान ये है। अब सीन ये, आप दुकान में चले गए गलती से, तो ना अब ये दुकान ने अगर ताला बंद कर दिया आप पे, आप पे वो कर दिया कि तुम मेरे लोग ही लोगे, अगर तुम तो नहीं लोगे तो नाराज भी हो जाऊंगा मैं, लेकिन हाँ तुम्हारे पास चॉइस भी है, ठीक है ना, आपको आपको आजादी है। ये वाली साहब है ट्विटर का, तो भाई खुदा का खौफ करो, कुछ थोड़ा सा रहम करो, ठीक है ना। आई एम अ पर्सन जो कि बड़ा जो है ना, लोगों को पता है मैं मेरी ना हर बंदे से बनती है, मेरी उलमा से भी बनती है, मेरी सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट मौलवियों से भी बनती है, और मेरी जो है ना ये बिल्कुल अपने स्टोनर बॉयज से भी बनती है, एलेवल्स के बॉयज से भी बनती है, एलेवल्स का ही होगा भी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो आई एम प्रिटी वेल अवेयर ऑफ बोथ द स्कूल्स एंड आई कॉन्शियसली चूज व्हाट एवर आई चूज। यू कैन डिसएग्री विद मी बट यू कैन नॉट डेयर, यू कैन नॉट डेयर क्वेश्चन माई इंटेलेक्ट, माई रीजनिंग, स्पेशली आफ्टर दिस दिस पीस, ठीक है ना, ये मेंटेलिटी के बाद। और ये मेंटेलिटी है वहाँ पे लोगों की, ठीक है ना, मैं नाम भी एक्सपोज कर सकता हूँ, ये मेंटेलिटी वहाँ पे लोगों की है। ऑब्वियसली मैं तबके की बात करूँ, उसी की बात करूँ, ठीक है ना, वहाँ पे उलमा भी है, वहाँ पे सारे हर किस्म की अवाम है, लेकिन जिसकी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ वो ये अवाम है, और वो बातें किसम करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, तो खुदा हाफिज। ये उसी दिन की 5वीं वीडियो है। वो मेरे कपड़े पड़े हुए सारे, एक एक वीडियो बनाई शर्ट चेंज, दूसरी वीडियो बनाई शर्ट चेंज, तीसरी वीडियो बनाई शर्ट चेंज, पूरे महीने की वीडियो बना दी मैंने।